What's up guys? तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे RGB based गेम पैड के बारे में जो कि वायरलेस है, जिसकी बैटरी बैकअप काफी बेहतर है और काफी बेहतरीन प्राइस पर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट RGB based वायरलेस गेम पैड का इन डेप्थ रिव्यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रहा वायरलेस गेम पैड जो कि RGB based है। ये आता है एक रेप्यूटेटेड कंपनी एम्प ई-स्पोर्ट्स की तरफ से। इसे मैंने अमेज़न से खरीदा था 1900 रुपीस की प्राइस पर। इसका जो मॉडल नेम है GP310R है। ये वायरलेस वर्जन है और अगर किसी को वायर्ड वर्जन खरीदना हो तो GP110R आपके लिए आप जा सकते हो। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस गेम पैड की, तो इस गेम पैड में वही यूजुअल पैकिंग मिलती है जो कि आजकल के सारे मिड रेंज के गेम पैड्स में आती है। तो मैं बॉक्स को ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि अंदर में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो दोस्तों हमें बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आप देख सकते हो, एक मैनुअल गाइड, एक चार्जिंग केबल, एक USB टाइप सी टू टाइप ए पोर्ट कन्वर्टर, और ये एक डोंगल है। ये काफ़ी बड़ा डोंगल है, ऐसा डोंगल यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। और ये रहा हमारा गेम पैड, आप देख सकते हो इसका लुक काफ़ी मॉडर्न है और ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसके अलावा हमें ये एंट स्पोर्ट्स का वेलकम टू एंट ई स्पोर्ट लाइक मैसेज मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं साइड में करता हूँ, उसके बाद आपको गेम पैड दिखाता हूँ कि व्हाट आर द एक्चुअल प्रोज इफ यू बाय दिस गेम पैड। तो दोस्तों अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो काफ़ी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है इसकी। ट्रांसपेरेंट स्टर्डी बॉडी के साथ आता है, इसके कीज़ भी काफ़ी स्टर्डी हैं, और ये जो लुक मिलता है ना यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लुक मिलता है। और काफ़ी वेट है इसका, उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर 800 mAh की भारी मतलब मैसिव बैटरी दी गई है। तो इसके बाद मैं आपको कनेक्टर दिखाऊंगा इसका, तो कनेक्टर भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो, मतलब स्क्रैचेस नहीं लगेंगे और मैट फिनिश के साथ आता है। तो चलिए मैं इसे अपनी PC के साथ कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स टाइम दिखाता हूँ और क्या क्या इसके अंदर बटन फीचर्स हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिन यूज़ करूंगा उसके बाद ही बताऊंगा। मैंने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया अपने PC में, उसके बाद मैं ये पावर बटन टीप देता हूँ। ये तीन लाइट्स जले और ये देख सकते हो RGB, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है इस गेम पैड की वो है RGB। यार क्या मस्त लग रहा है ये RGB। यहाँ पे तीन लाइट जल रहे हैं, इसकी भी इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गेम पैड के बारे में सबसे बड़ा कंसर्न मेरा यही था कि इसकी बैटरी बैकअप कैसी होगी आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ वीक। मैं आपको बता सकता हूँ इसकी बैटरी बैकअप काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें जो 800 mAh का बैटरी दिया गया है ना, वो कॉस्मिक बाइट एरिस से 100 mAh ज़्यादा है और कॉस्मिक बाइट नेब्यूला से 200 mAh ज़्यादा है। तो उसके वजह से जो इसका RGB वाला जो बैटरी यूजेज है वो निगलेक्जेबल हो जाता है, और इसका बैटरी बैकअप काफ़ी बेहतर है। मैंने कंटिन्यूस यूज़ में देखा है, इट गेव मी अराउंड 12 टू 16 आवर्स बैटरी का बैकअप कंटिन्यूस यूज़ में, मतलब कंटिन्यूस मैंने यूज़ किया है। वो लोग कह रहे थे कि 12 घंटे का आपको मिलेगा बैटरी बैकअप, बट ऐसा नहीं है, मुझे 12 टू 16 आवर्स मिला है, मैंने फुल चार्ज किया। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसको फुल चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज इसकी बैटरी बड़ी है। तो अब मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, हाँ दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इस गेम पैड में आपको कोई इशू आए कनेक्टिविटी रिलेटेड ना, तो आप उसे पीछे घुमाना। अब पीछे में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रीसेट बटन है, इसके अंदर कुछ पिन या फिर एक पिन तो नहीं, एक सेफ्टी पिन या फिर एक सुई आप डाल के इसे रीसेट कर सकते हो, उसके बाद कनेक्शन में कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके बटन्स में लाइट नहीं है, हालांकि ये जो कलर है ये उठेगा नहीं मुझे लगता है, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी प्रिंट है। तो अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी के, तो ये PS4 में भी कनेक्ट होगा और PC में तो होगा ही, मोबाइल में भी होगा, आपके एंड्रॉयड TVs में भी होगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके जो एनालॉग्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, एनालॉग्स में मैंने एक्सटर्नली लगाया है ये रबर, तो आप उसको माइंड मत करना। उसके अलावा आप देख सकते हो पीछे में भी RGB है, RGB ही RGB है सब हर जगह पे। ये जो तीन लाइट है आपने PC में अगर कनेक्ट किया ना, तो ये क्योंकि X इनपुट में कनेक्ट होता है PC में, तो ये तीन लाइट चल रहा है। मैं बताऊँ इसके गेम प्ले के बारे में, तो ये जो बटन्स हैं, ये इसमें एक्स्ट्रा बटन्स है काफ़ी। ये मोड वाला जो बटन है ये आपको मूड चेंज करने में हेल्प करता है, इसको होल्ड करने से। अगर आपको इसको बंद करना होता है ना, तो उसके लिए आपके पास अलग अलग
ऑप्शंस है, लाइक आप गेम पैड अगर बंद करना चाहते हो तो सिलेक्ट प्लस बी अगर आप करते हो तो गेम पैड बंद हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको आरजीबी को लॉक करना है किसी एक कलर पे, पर्टिकुलर कलर पे, तो आप इस तरह से एक यहाँ पे एक बटन दिया गया है, आप देख सकते हो, उसे क्लिक करने से आप आरजीबी के इस बटन को क्लिक करने से आरजीबी का कलर एक जगह पर रोक सकते हो। फिर आपको अगर बंद करना है तो भी आप इसको प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, बैटरी भी बचा सकते हो ऑन द गो। पर आरजीबी के लिए लिया है तो आरजीबी क्यों रोकना। अब मैं अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो गेम पैड काफ़ी प्रीमियम है, ये सबसे अच्छा इसका बड़ा प्रो है। विथ आरजीबी ये भी एक प्रो है। बैटरी बैकअप इसकी काफ़ी अच्छी है, ये भी एक प्रो है। और अगर मैं कॉन्स की बात करूँ ना, तो इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी स्लो है। यूजुअली आपको 3 घंटे लग जाएंगे फुल चार्ज करने में। और दूसरा जो एक मेजर कॉन मैं बताना चाहूँगा, हालांकि जो लोग रेसिंग गेम्स नहीं खेलते उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो इसका की है ये एनलॉक की नहीं है, ये एक स्विच है। मतलब ये एक बार में अगर आप प्रेस करोगे ना, तो कोई भी गाड़ी बाई चांस आप चला रहे हो एक गेम के अंदर, तो ये फुल प्रेस होगा। मतलब होता है ना कि आप हल्का एक्सलेट कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा एक्सलेट हो, वैसे नहीं होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है इसकी बैटरी बैकअप और आरजीबी। और ये जो कीज़ हैं काफ़ी स्टर्डी हैं, इसमें काफ़ी सारे कीज़ हैं। एक तो पाउस वाला स्टार्ट की है, सिलेक्ट की है, टर्बो की है। टर्बो तो आप जानते ही हो, कोई भी बटन अगर आपको बार बार प्रेस करना है तो आप टर्बो के साथ मर्ज करके उसे कर दो सेट, एंड देन आप उसे कंटिन्यूस प्रेस करने पे भी वो ले लेता है। अब इसके अलावा और भी एक बटन है क्लियर, वो टर्बो को क्लियर करने के लिए एक बटन दिया है इन्होंने। इसके अलावा इसका एनलॉक का जो की पॉइंट्स है ना, लाइक कितना ये एरिया कवर करता है, तो लाइक 95% एरिया ये कवर कर लेता है अगर आप प्रॉपरली यूज़ करो इसे। तो इसके अलावा अगर मैं और कुछ बताऊँ इसके बारे में, तो इसका एक रेप्यूटेड कंपनी की तरफ से आता है एंटी स्पोर्ट्स, और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। लाइक वायरलेस में आरजीबी इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर पीपल, राइट। और अगर आपको वायर्ड वाला लेना है तो उसका दाम कम है, 1200 रुपये में आपको वायर्ड वाला ये सेम चीज़, जस्ट उसका मॉडल अलग है, 110R है। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से देख सकते हो, मुझे तो वायरलेस मैं प्रेफर करता हूँ तो मैंने वही लिया। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ भी ज़रूरत है जो आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टेक ऑन, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।